देश के प्रधानमंत्री भी फर्जी हैं, डिग्री भी फर्जी है, उनकी गारंटी का कोई मतलब नहीं है। गधे की बात और नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बात दोनों एक समान है। महिलाओं के गुनहगार हैं, श्रमिकों के गुनहगार हैं, बैंक के लूट कर भागने वाले के सहयोगी के तौर पे हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू सेम वसूली गैंग के सरगना हो गए। जनसंख्या इतनी, इतनी नौकरियां कहां से लाएंगे? अच्छा तो इनके तमाम जो साधु संत अंधभक्त कह रहे हैं कि 15 बच्चे पैदा करो, 25 तो पैदा करो, तो उनको तो पहले रोड पे खींच करके उनका स्वागत करो। जब गला सूखता है ना घबराहट में आदमी, बोलना कुछ और बोल जाता कुछ और। तो इस समय प्रधानमंत्री जी को और खास करके बीजेपी को ये डर इसका गम नहीं है कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी या एनडीए सत्ता से बाहर हो जाएगी। डर इस बात का है कि उसके बाद जो बम्मू आएगा, जो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, तो आजीवन कारावास की सजा होगी। एनडीए गठबंधन यानी भाजपा के हैं, उनको ताड़ा जा रहा, मनो हर जगह जूतम पैजार हो रही है, गुजरात में हो रही है, हालत इनकी दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। कब तक गोदी मीडिया इन पे जो है पर्दे डालती रहेगी? अंजना और मोदी, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अरे इसके बाद इन्हीं की पिक्चर दिखाई देगी कि जाएंगे अंदर, वही झंडा फहराएंगे तिहाड़ जलवा में। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस तरीके से लोकसभा चुनाव जो है बेहद ही नज़दीक है और सरगर्मियां जो है बहुत तेज़ हो चुकी हैं, लेकिन उसी पे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि जो प्रशांत किशोर हैं उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि अगर जो है राहुल गांधी से प्रचार प्रसार ढंग से नहीं हो रहा है, जनता खुश नहीं हो पा रही है, तो इसे अलोकतांत्रिक बताया और कह रही हैं कि फिर उनको छोड़ देना चाहिए। इसी चीज़ से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चतुर्वेदी जी। सर क्या कहेंगे इस पर आप? यूं बेसबब ना फिरा करो, कभी शाम घर पे रहा करो। ये जो कांग्रेस की 5 न्याय पत्र मांग है, इसे खुले दिल से पढ़ा करो। अच्छा। कोई हाथ भी नहीं मिलाएगा घर मिलोगे तपाक से। इस देश में तमाम तरह के विचारवान राजनीतिक दल हैं, इनसे फासले बना के मिला करो। रहा बात, आपने वो पी के क्या नाम है, प्रशांत किशोर, हाँ। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट है, हाँ। इसका काम है कि एक टीम बना करके उस राजनीतिक दल को ठगना, उस राजनीतिक दल को। अभी बिहार में जब यात्रा इसने पैदल यात्रा किया, उस पे इसको थोड़ी भी जनता ने भाव नहीं दिया, तो इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। हाँ। अभी जैसे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी मंच पर फेंकने का जो कंपटीशन था, मोदी जी कहे कि मैं ज़्यादा फेंकता हूँ, कहा मैं आपसे ज़्यादा फेंकता हूँ, कौन से ब्रांड का चीलम मारा और कहा 4000 MP जीत करके आएंगे और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हे भगवान, हे दीनानाथ, ये तो मेरा भी गुरु निकला। बाद में कहे कि ये ब्रांड कौन सा था, वैसा ब्रांड मैं भी ले लिया करूं। पैर पकड़ने लगे। सेम उसी तरीके से प्रशांत किशोर का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। उनको राजनीति में पूछ नहीं हो रही है। शुद्ध रूप से भाजपाई है, स्लीपर सेल का एजेंट है। तो दिख रहा है क्या राहुल गांधी के प्रचार प्रसार का असर, आप ही बता दीजिए। अच्छा ही बताइए, सिरसा में कांग्रेस प्रत्याशियों को तो लोग दौड़ा दौड़ा के नहीं पीट रहे हैं, मेरठ में कांग्रेस प्रत्याशी या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। गिरिराज सिंह एनडीए गठबंधन यानी भाजपा के हैं, उनको ताड़ा जा रहा, मनो हर जगह जूतम पैजार हो रही है, गुजरात में हो रही है, हालत इनकी दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। कब तक गोदी मीडिया इन पे जो है पर्दे डालती रहेगी? अंजना ओम मोदी, अभी चित्रा अग्रवाल, अंजना ओम कश्यप भाई, देखिए उन्होंने आज तक के टीवी चैनल पर खुलेआम कहा था कि मैं अंजना ओम मोदी। हो सकता मोदी बिरादरी से उनको मोहब्बत हो गई हो। चित्रा अग्रवाल अभी वायनाड गई हैं,
कि ये कभी मोदी जी का नाम लेने वाला, इंडिया गठबंधन का नाम लेने वाला, वो इंटेलेक्चुअल है सब, 98-99% शिक्षा का स्तर है साउथ इंडिया। तो अब नारा जो देश में चल रहा है कि साउथ से एनडीए साफ, आप भी जो है हिंदी भाषी बेल्ट में हाफ हाफ हाफ, मैंने हाफ कच्चे से फुल पॉइंट पे आए थे, फिर हाफ कच्चे पे आ जाएंगे हाफ निकल। आप कह रहे हैं कि मोदी योगी के रोड शो में जैसे कुर्सियां फेंकी जा रही थी, चप्पलें फेंकी जा रही थी, लेकिन ऐसे ही तो जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा थी उसमें भी तो अन्याय यात्रा बोला जा रहा था पक्ष की तरफ से। अच्छा, सरकार सत्ता पक्ष से जी, हमारी न्याय यात्रा में हमने जो भी मुद्दे उठाए, तमाम जैन धर्म गुरु हैं, हमारे सनातन धर्म के चारों जगत गुरु शंकराचार्य हैं, तथा कथित कथावाचक नहीं, जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के गुरु कनफुकवा गुरु चेला जिनके हैं आसाराम, उनका भी कैरेक्टर देख लीजिएगा, राम रहीम का कैरेक्टर देख लीजिएगा, इन्हीं के पार्टी के गृह राज्य मंत्री हैं चिम्यानंद, इन्हीं के प्रचारक रहे हैं जो 35 रुपया लीटर पेट्रोल बेच रहे थे, कोर्ट से माफी मांग रहे हैं, क्या नाम है लाला देव, रामदेव, अरे वही रामदेव। हाँ। देश के प्रधानमंत्री लड़की और लकड़ी में अंतर है नहीं, लड़की नक्काशी बोल रहे हैं, सहारनपुर में बोला हूँ, टंग स्लिप हो गई थी ना। अच्छा, उन्होंने खुद ही बोले। अच्छा अच्छा, हो जाती है। हाँ। मनो जब गला सूखता है ना, घबराहट में आदमी बोलना कुछ और बोल जाता कुछ और, तो इस समय प्रधानमंत्री जी को और खास करके बीजेपी को ये डर, इसका गम नहीं है कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी या एनडीए सत्ता से बाहर हो जाएगी, डर इस बात का है कि उसके बाद जो बम्मू आएगा, जो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, जो हमने भ्रष्टाचार फैला रखा है, जो हमने देशवासियों को गुमराह किया है, जो पुलवामा की सच्चाई आएगी, बिहार रेजिमेंट के 20 कमांडिंग ऑफिसर सहित पेंगोंग झील के पास मारे गए थे चाइना के हाथों, उसकी सच्चाई आएगी, कितने हजार एकड़ जमीन चाइना कब्जा कर लिया उसकी सच्चाई आएगी, किस किस पाकिस्तानी कंपनी से इलेक्ट्रिक बॉन्ड के रूप में चंदा लिया गया उसकी सच्चाई आएगी, तो आजीवन कारावास की सजा होगी। अगर देश को गुमराह किया होता तो जनता वोट नहीं दे रही होती उन्हें। देखिए, हम उस देश के नागरिक हैं जो देश बिना लड़े ही गुलाम हो गया था। कोई भी इतिहासकार, कोई भी विद्वान ये बताने की जहमत उठाएगा कि इंग्लैंड ने कभी भारत पर सैनिक कार्रवाई की थी? नहीं किया। यहाँ ताली बजाने वाले, थाली बजाने वाले, लाइट जलाने वाले बहुत मिलेंगे। भाजपा जो है और भाजपाई नेता और संघ ही वो पैरामीटर से नापते हैं कि इस देश में अंधभक्तों की संख्या कम हुई या बढ़ी है, तो एक एक सगुफा मार्केट में छोड़ते हैं। 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों का के गुनहगार हैं, महिलाओं के गुनहगार हैं, श्रमिकों के गुनहगार हैं, बैंक के लूट कर भागने वाले के सहयोगी के तौर पे हैं, यानी कुल मिला के कहा जाए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू सेम वसूली गैंग के सरगना हो गए हैं। कह रहे हैं महिलाओं को आरक्षण दे दिया है और कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए ना, आप लोग अपना कुछ स्टार्ट करिए। क्या स्टार्ट करें? आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़े तलिए। अच्छा, पूरा देश पकौड़े तलने में लग जाए, बूट पॉलिश करने में लग जाए। हाँ, MBBS जो किया हुआ, इंजीनियरिंग किया, MBA किया हुआ है, आई कक्षा 10 बमुश्किल पास, मलाई काटने के लिए हैं। 4 साल में हमारा नौजवान रिटायर होकर के आ जाए। जनसंख्या इतनी है, नौकरी कहाँ से देंगे? हाँ, जनसंख्या इतनी है, इतनी नौकरियाँ कहाँ से लाएंगे? अच्छा, तो इनके तमाम जो साधु संत अंधभक्त कह रहे हैं कि 15 बच्चे पैदा करो, 25 पैदा करो, तो उनको तो पहले रोड पे खींच करके उनका स्वागत करो। आप बताइए, तुम देश को अपमानित करने का ठेका लिए हो, अनपढ़ जाहिल। डिग्री दिखाई है उन्होंने। कौन सी डिग्री?
खुद दिखाई है उन्होंने। जिस समय वो बीए किए हुए बताए जा रहे हैं उस समय कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर की डिग्री है। तो क्या लग रहा है, डिग्री फर्जी है क्या? एक देश के प्रधानमंत्री भी फर्जी हैं, डिग्री भी फर्जी है, उनकी गारंटी का कोई मतलब नहीं है। गधे की बात और नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बात दोनों एक समान है। ऐसे ही देश नहीं चला रहे हैं वो 10 साल से। कौन चला रहे हैं? ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, ISIPS चला रहे हैं, इनको क्या जानकारी है? कह रहे हैं अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अरे इसके बाद इन्हीं की पिक्चर दिखाई देगी कि जाएंगे अंदर, वही झंडा फहराएंगे तिहाड़ जलवा में। ठीक है, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं। क्या लग रहा है, चतुर्वेदी जी की बातों से सहमत हैं बिल्कुल? देखिए, जो आज की सरकार है भाजपा, ये किसी भी तरीके से देश के हित में, जनहित में कसौटी पर नहीं उतरी है। इनके वायदे, और चाहे गारंटी हो, चाहे वायदे हो, चाहे आश्वासन हो, चाहे इनका मैनिफेस्टो हो, वो सब झूठा साबित होता है। हाँ, इन्होंने एक काम किया है देश को धर्म में बांटने का, राम मंदिर का निर्माण कराया कथाकथित रूप से, वो भी कोर्ट के सहारे से। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि देश के समाज को, देश के किसी भी समुदाय को, चाहे वो युवा हो, किसान हो, चाहे महिला वर्ग हो, किसी का कल्याण हुआ हो। इन्होंने हमेशा सबको भ्रमित छदम की राजनीति की है, सबको धोखा देने का काम किया है। ये अपने आप को भी, खुद को भी धोखा दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं 400 पार का नारा देकर, चूंकि 400 पार भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है। फिर भी कह रहे हैं ना कि आएगा तो मोदी ही। कहने दो, बहुत सारे लोग कहते हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं। किसी का एक पार्लियामेंट मेंबर भी नहीं जीतता, वो भी कहता है कि मैं भी सरकार बना रहा हूँ। देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय दल हैं, बहुत सारे अनेकों दल हैं, बहुजन है, OBC की पार्टी है, तेलुगुसम है, जनता दल यूनाइटेड है, सब प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं। और ये जब देश के अंदर चुनाव लड़ते हैं तो सब अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी जनमानस का नेता है, जनहित की बातें कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बात करने का अगर ताकत है, कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस की विचारधारा के अंदर है, कांग्रेस की विचारधारा सभी वर्ग को, सभी समुदाय को साथ लेने में सामंजस्य बनाकर चलती है। चाहे पिछली सरकारें हों, उन्होंने 2009-8 में किसानों का 70,000 करोड़ रुपया माफ किया, इन्होंने आय दुगनी करने के नाम पर किसानों के महंगाई को बढ़ा दिया, तमाम चीज़ें बढ़ा दी, 6,000 रुपये देकर किसानों की क्या आय दुगनी हो जाएगी? तेल के दाम बढ़ गए, यूरिया के, डाई के खाद बढ़ गए, बिजली के रेट बढ़ गए, तमाम मशीनरी के रेट बढ़ गए हैं, जिससे कृषि उत्पादन होता है। इनको सब कुछ समझना पड़ेगा। आज देश को ज़रूरत है कि इंडिया गठबंधन का साथ दें, और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए जनता को राहुल गांधी का साथ देना चाहिए, और हर तरीके से देश हित में जनता को सोचना चाहिए और अपने विकास के लिए सोचना चाहिए, तभी देश का विकास संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना, आप लोगों ने किस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से देश को जुमले में जुमला दिया है मोदी सरकार ने, वैसे ही अपने आप को जुमला दे रहे हैं। जो 400 पार का नारा ये बोलते हैं, शायद इस बार 400 पार नहीं आने वाले हैं। तो इस पूरी बातचीत पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।